वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज वो बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई है जिसके लिए हम सब मुंतजर थे ठीक 2 साल से। मगर इस खुशखबरी को बताने से पहले मैं कहना चाहूँगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के फजल से फिर से वो लोग जो मुंतजर थे, जो फंसे हुए थे और जो हज और उमरा की उम्मीद रखते थे, अल्हम्दुलिल्लाह उन सब के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि अब इंडिया से सऊदी डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब दुआएं कर रहे थे, हम सब मौके में थे कि कब ये खुशखबरी आए और कब हम फिर से हमारे वक्त को याद करें और फिर से पहले की तरह हम सऊदी अरेबिया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी गेजेट की न्यूज़ कुछ वक्त मिनटों पहले आई है कि इंडिया के अलावा बहुत सारी कंट्रीज को सऊदी अरेबिया ने अलाउ कर लिया है डायरेक्ट फ्लाइट्स के लिए 1 दिसंबर से 5 दिन बाद। आज है 25 नवंबर, 5 दिन बाद 1 दिसंबर से इंशाल्लाह डायरेक्ट फ्लाइट्स अलाउड है। मैं बहुत ही खुश हूं और आप सबको बताना चाहता हूं कि ठीक 1.25 से 1.5 साल हमने लोगों को क्वारंटाइन करके कहीं कहीं कहां कहां से लोगों को पहुंचाया अल्लाह के फजल से। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ही खुश हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये मौका आ गया है कि अब इंडिया से सऊदी डायरेक्ट फ्लाइट से लोग जा सकते हैं। इसके अलावा गाका का एक सर्कुलर है, जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन, जो डिसाइड करता है कि कब से कौन सी फ्लाइट्स ऑपरेट कैसा करेगी, जो एयरलाइन को इंटीमेट करता है, एयरलाइन को इंस्ट्रक्शन देता है कि किस तरह कैसे फॉलो करके ऑपरेट करना है। इंशाल्लाह उसकी भी न्यूज़ जल्दी आएगी, एयरलाइंस को खबर जाएगी, एयरलाइंस की भी हमें न्यूज़ आएगी और ठीक पहले की तरह हम जा सकते हैं। याद रहे कि पहले से भी इंशाल्लाह अच्छा वक्त आएगा, जब कोई जगह मैली हो जाती है, कोई जगह गंदी हो जाती है, तो केमिकल से, एसिड से उसको ऐसा साफ किया जाता है कि जब वो मैली से भी पहले गंदी थी उससे भी अच्छी हो जाती है जब वो साफ हो जाती है। तो जिस तरह हमने पेंडेमिक के पहले दौर देखा, पेंडेमिक के बाद जो ये वक्त फिर से आया है, इंशाल्लाह पहले से भी काफी अच्छा होगा। सब के सब बोलो आमीन इंशाल्लाह, और सब के सब हमें दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह जल्दी लौटेंगे अच्छी से अच्छी न्यूज के साथ में और आगे की अपडेट्स के साथ में। आगे के लिए डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू।